पराठो जो है वो वैसे भी वो तो बच्चों की सवारी है यार। यार आप लोग ये पैसा किधर ले जाओगे यार, मुंह में खून भर रहे हो आप। चले जोने ले यार, चले जोने वाले जो यंग लड़के हैं उनको भी विजिट वीजा इशू नहीं कर रहे जिनकी शादी नहीं हुई। आगे पार्किंग में बस मैं निकल रहा हूँ। सर किधर जा रहे हैं यार? वो गाड़ी चेंज करनी है। गाड़ी है कि नहीं चली है? सर तो वी गुजार चली है। अच्छा फ्रेश इंपोर्ट है भाई दी, 17 मॉडल। क्या इरादा फिर आपका? यार इरादा मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान में साइबर ट्रक नहीं आता तब तक मैं सोच रहा हूँ कि V8 कोई परमानेंट सवारी कर लूँगा, क्योंकि पराठो जो है वो वैसे भी वो तो बच्चों की सवारी है यार। ये जरा आप जरा बिजनेस हैं, आप जरा वो बिल्डर हैं तो जरा वो कॉर्पोरेट लुक आनी चाहिए या उसके लिए मेरे ख्याल से ये देते हैं। सिस्टम लगे हैं अंदर साउंड? जी सर लगे। बस ठीक है, वो बेहतरीन है। साउंड सिस्टम लगे हैं अंदर, एम्पलीफायर लगे हैं, बस और भी चाहिए बढ़िया गाड़ी में। झूला यार अभी लेते हैं इंशाल्लाह ताला, झूला लेते हैं। सर जी तो फिर पक्की पक्की रख रहे हैं गाड़ी आप? हाँ यार इंशाल्लाह ताला। पराठो मुझे दे दे। पराठो क्या तुझे दे दो? पराठो मुझे दे दे तो चल, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे, पराठो दे। मुझे बता पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन? यार मैं तो बड़ा खुश हो गया था एक सिंपल से सवाल पे, पराठो मिल रही थी। सर ऑब्वियसली कह देता मोहम्मद अली जी। कह देता मोहम्मद अली जी सर तो है भाई, कह देता नहीं है ना? नहीं कायद आजम नहीं है पाकिस्तान का, इससे साबित हुआ है कि अभी तू पराठो के काबिल नहीं। ओ भाई जी इस बंदे को ये नहीं पता पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो पराठो चलाएगा। बाकी तू मेरे साथ ही होता है यार, तेरी खैर है, ये भी तेरी है वो भी तेरी है, मैंने कभी मना कि मेरे साथ ही होता ना दिन में ये बंदा, वैसे भी 8 घंटे 10 घंटे मेरे साथ रहना होता तो फिर क्या मसला। देख यार गोकू तू छोटा भाई है, जो कुछ मेरा है वो तेरा भी तो है ना, बस चलाने के लिए ना मांगी, बाकी जितना मर्जी घूम मेरे साथ। गाड़ी के बारे में तुम्हें थोड़ा सा मैं बताता हूँ, मैंने इसको भी चेक किया, चलारिम से लेके इसका ईच एंड एवरीथिंग टोटल जेन्युइन है, एक्सेप्ट एक चीज के जो कि बड़ी मजे की है इसमें, वो ये कि इसकी जो सीट्स हैं ये आप देख रहे हैं V8 में ये वाली सीट्स नहीं आती, ये जो सीट्स हैं इसकी ये LX570 की लगी हुई हैं, सो ये मुझे बड़ा पसंद आया। ओवरऑल अगर गाड़ी देखी जाए तो ये बिल्कुल कंचा गाड़ी है, साफ सुथरी है। यहाँ पर ये स्क्रीनें शीने भी इसके लगी हुई हैं ताकि अगर कोई पीछे बैठ के किसी किस्म की भी चीज़ें देखना चाहता है, जैसे हम आगे लगाते हैं कुछ भी ये वो इस तरह, तो वो यहाँ पर भी देख सकता है और मेरे ख्याल से ये शायद। तो बाकी ओवरऑल गाड़ी जो है यार ये तो बड़ी लश है। आपने अगर करोड़ों की चीज़ें लोगों को बेचनी है सारा कुछ, तो वो अपनी सिक्योरिटी भी रखते हैं ना, वो ये चीज़ें भी देखते हैं ना कि भाईजान बंदा क्या है, उसकी सवारी भी मैटर करती है, ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है ना मैं रैप कराऊँ, कार्बन का किसी के पास रैप है ऊपर वो कराऊंगा, इन पे शीशों पे करवाऊँ, इसको भी थोड़ा सा डार्क कलर के अंदर लेके जाऊँ, ब्लैक कलर के अंदर लेके जाऊँ कि वायरिंग है सारी वो कभी भी हम लोग नहीं छेड़ते, कहीं ना कहीं बग्स या मसले आने शुरू हो जाते हैं। सो इंशाल्लाह ताला इस गाड़ी को आप लोग देखते जाओगे मैं क्या बनाता हूँ। पराठो में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा था यार, मैं आगे भी जो बात कर रहा था कि पराठो का मसला ये था कि अंडर पावर लग रही थी, जब सूट करता है कि मैं V8 पे ही थोड़ा घूमूं, ये थोड़ी कंफर्टेबल ज्यादा है, मैंने अक्सर लॉन्ग टूर भी करने होते हैं, अल्लाह ताला नजरबाद से बचाए माशाल्लाह, आज के बाद जो है वो यही हमारी डेली ड्राइवर होने वाली है। यार बहुत हो गया पराठो, मैं डेली ड्राइवर के तौर पर पिछले 1.5 साल से चला रहा हूँ, अब मेरे ख्याल से थोड़ा चेंजिंग का टाइम है, इसलिए अब मैं डेली ड्राइवर के तौर पर V8 रखूंगा। अभी हम लोग जा रहे हैं भाईजान फैसल टाउन में, वहाँ पर दी ओनर ऑफ फैसल टाउन चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जो बेटे हैं उनसे एक छोटी मीटिंग है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा उधर मिलते हैं। वैसे जी मैंने बताया नहीं है यार, मेरा वो दुबई का वीजा रिजेक्ट हो गया था, तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान को मजीद थोड़ी सख्ती कर रहे हैं दुबई वाले, तो विजिट वीजा उन्होंने जो है वो रिजेक्ट किया है, लेकिन अगर मैं ना लगवाऊं ना इंशाल्लाह ताला लगेगा देखना। तुम YouTube मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता, बंदे बन जाओ तुम, हमारी वीडियो जो है वो लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाते? तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग खाना शाना खाओ और जाओ जाके घूमो फिरो थोड़ा सा। यार हम लोग जा रहे हैं अभी रोटी खाने, टाइम हो गया 3 और अभी तक हमने खाना नहीं खाया, तो सर चलेंगे मीटिंग में, एड रियलिटर्स और कंटिन्यू करेंगे इस शक्ल के साथ, जाके खाना शाना खाते हैं। अच्छा तो यार फैसल टाउन में हम लोग ढूंढ रहे हैं मैकडोनल्ड्स या KFC, लेकिन हमें नहीं मिल रहा, या फ्राइड चिक्स हमें एक नज़र आ गया है, यहाँ पे कोई बर्गर शर्गर या पिज्ज़ा शीज़ा शायद मिल जाए तो जाके ट्राई करते हैं। नहीं भाई कुछ बर्गर पिज्जे वाली जगह मिल गई हमें फैसल टाउन में। मोहिब क्या खाओगे? आई वांट सम चिक्स। भाई स्पेशल क्या आपका? सर स्पेशल पिज्जा भी है, बर्गर भी है सर और शॉर्मा भी है। तो यार हमने जिंगर बर्गर ऑर्डर कर लिए हैं भाईजान, नजर हमारा आ गया ऑर्डर। अच्छा अभी मोहिब बताओ क्या होने वाला है? चैलेंज होने लगा है। चैलेंज होने वाला है अगर जो बंदा रह गया एट द लास्ट में जो बंदा रह गया, जो दो बंदे पहले खा गए और जो बंदा रह गया वो इस सब का बिल पे करेगा, दिस इज द चैलेंज। यार मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ, इनको हराना तो मेरे बायां से खेल है। तो यार बर्गर रेडी है, स्टार्ट करते हैं। तैयार हो? तू बन जाओ। जहाँ बात आज बिल देने की उधर मुझे हराना नामुमकिन।
ये दोनों हल्के में ले रहे थे मुझे। गोकू देना आप बिल। अब क्या कर सकते हैं, मेरा इनका मुंह बड़ा है ना, मेरा मुंह छोटा है, तो अब बिल तो देना पड़ेगा। आज तक सर समझे इतने में पिज्जा आ रहा हूँ ना, मैंने आज से पिज्जा नहीं खिलाया, लेकिन यहाँ मैं भाई साहब फंस गया। सर को अपनी दास्तान सुनाई? नहीं नहीं यार। सर को अपनी दास्तान सुनाई? सर हमने तो बस अभी एक चैलेंज लगा लिया था कि बर्गर मंगवाया था, हाँ। जो सबसे पहले फिनिश कर लेगा वो जीत जाएगा, और जो हारेगा वो बिल पे करेगा। गोकू बड़ी बातें कर रहा था, हार गया। गेस करें सबसे पहले कौन आया था? गोकू तू दुनिया में सिर्फ हारने के लिए आया है, गेम तू लगाता है, हार जाता है। इसने सिर्फ अपना आधा बर्गर छुपा दिया। अब तू उसका वजूद देख और अपना वजूद देख। उसके वो दो बंदे निकल आते हैं फाड़ो तेरे जैसे। तू जीता कौन होगा सर वो गेस कर? जीता होगा ये वैसे है बुखड़ है खाता बहुत है। मोहिब जीते? जी सर। कह रहे थे पैसे देने पड़ेंगे, मेरे पैसे है नहीं अभी। बहुत पैसों पे आ गए यार। एक टूटे हुए दिल से बात करने जा रहा हूँ, बहुत ही अभी अभी मुझे एक सदमा मिला है यार। वो वीजे का इशू बता रहा है। कल तो आप कह रहे थे जा रहे हैं। कल मैं कह रहा था, बल्कि मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि जा रहे हैं। वो हुआ कुछ ऐसे है कि उन्होंने जो यंग लड़के हैं उनको भी विजिट वीज़ा इशू नहीं कर रहे जिनकी शादी नहीं हुई। कसम से दुबई वाले, ये लोग भी वेरीफाई करेंगे। यार जैसे ही मुझे ये न्यूज मिली है ना, मेरे दिमाग में एक ही बात आई, वड़ गए सारे दुबई के प्लान। अल्लाह करे ये मजाक हो। मेरा तो वीजा आ गया था भाई, मैं तो तीन दिन से अभी बैठा हूँ, इनको पता है मेरा तीन दिन पहले इशू हो गया था। अगर फॉर एग्जांपल तुम लोगों का कोई भी मसला होता है, मैं जा सकता हूँ? मैं पक्का जा सकता हूँ। तो बहरहाल यार अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये अपडेट अभी हमें मिली है, अब इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि भाई किसी तरीके से कुछ भी करके हो जाए, क्योंकि रमजान शुरू होने में सिर्फ 4-5 दिन रह गए, और उससे पहले पहले अगर हो जाता तो हम हो के आ जाते। अब जो मेरे दोस्त वगैरह उधर से गए हुए थे वो भी सारे वापस आ गए, तो देखते हैं। शाम भाई आपसे एक बात करनी है, मेरा कमीशन जो बना है इस महीने का वो उसमें जो मुझे इन्होंने ट्रांसफर किया अकाउंट में उसमें 45,000 रुपया कम आ रहे हैं। आजम भाई से बात किया, वो उल्टा आगे से बहस कर रहे हैं, उनको समझाया सारा। यार इस मंथ कमीशन आया उसमें 40,000 कम था, मैं तो सीधा सर के पास चला गया। हाँ भाई सर। तुम लोगों ने फ्रेशर चेक किया था? जी सर। आजम भाई यार क्या है आप लोगों को, यार आप लोग ये पैसा किधर ले जाओगे यार, मुंह में खून भर रहे हो आप अपने लोगों के पैसों से। ये बच्चा बेचारा कितना मासूम है, ये आया मेरे पास आके कहता है कि सर मेरा कमीशन भरा हुआ है। सर मैंने इनसे अभी बात की है, ये कह रहे हैं कि कमीशन में थोड़ा सा इशू है। लास्ट मंथ आपको याद होगा सर इनके पास अमाउंट थी नहीं, तो फिर तू एक काम कर, वो भी इधर बैठ, अपना सारा कमीशन इनसे पूरा करा के यार, मुझे तो इन लोगों से यकीन कर जा, मैं तो अल्लाह से डरता हूं, मैं कहता हूं यार ये क्या लोग हैं, पता नहीं किधर पैसा ले जाएंगे गरीबों का। बैठ तू, चाहे रात के 12 बजे चाहे जो मर्जी हो, आज इस बंदे को राजी करके भेजना है। अच्छा, वाकई मैं वैसे ही था। देखा, खुदा का खौफ है, आप लोग गरीबों का पैसा चूसते हैं। पूरी बात तो सुने सर, लेकिन वो ये टाइम लास्ट मंथ आपको याद होगी, हमने एक पेमेंट की थी इनके बिहाफ पे, इनके पास पैसे नहीं थे, 40,000 की पेमेंट हुई थी, कंपनी ने दी थी, अब वो कंपनी ने वापस डिडक्ट तो करने, वो डिडक्ट हुए नहीं, उल्टा पैसा इनको ज्यादा दिया। एक मिनट, क्या मतलब, आप उसने पैसे देने? जी। कितने देने? 40,000। मुझे ये बता तू इस पे तो कोई आपत्ति नहीं है, राजी है आपको? चलो अब जाओ जाके 40,000 का टीका बताओ कब देते हैं सर, वो मैं करता हूं। हां बस ठीक है, अब जाओ जाके बैठो। यार मैं तो सर के पास जाके फंस गया हूं, उल्टा मैंने कंपनी के पैसे देने। जाके काम शाम करो ना, अब हिसाब किताब क्लियर करो पहला माल ले से। चलो जाओ जाके बैठो। हमारे यहाँ पे अकाउंट्स में जो है वो तीन लोग बैठे हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि अपना जितना भी हिसाब किताब है वो लाइव रखा हुआ है। मतलब ये नहीं होता कि हम आखिर में जाके हिसाब किताब करते, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन इन आउट कुछ भी होता है उसी वक्त वो रजिस्टर्ड हो जाती है हमारे पास, किसी वक्त भी कोई भी आके अपना हिसाब किताब निकाल सकता है। सो गलती के चांसेस बहुत कम थे।
लो जी भाई जान, आज के सुपर डुपर बिजी दिन के बाद मेरी आंखों के नीचे हल्के जो हैं वो बड़े प्रोमिनेंट हो रहे हैं और ये तब होता है जब मैं सही तरह सोता नहीं हूँ। हम लोग अभी साइन ऑफ करते हैं इस अपने पन के साथ कि इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिस तरीके से इन लोगों ने बोला ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन्होंने बाहर के वीजे अप्लाई किए हुए, इनको पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। मिलते हैं, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो। अगले दो दिनों में तुम्हें खुशखबरी मिलेगी। ना मिली तो दूधियां नहरा बह रही है। सब्सक्राइब करो।